नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है रबी सीजन के नई MSP की। जी हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए घोषणा कर दी गई है रबी सीजन के लिए, जिसका फायदा किसानों को मिल सकेगा आने वाले समय में। और खासतौर से अगर देखा जाए, 50 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का इजाफा इस MSP में किया गया है, जिसका लाभ आने वाले समय में किसानों को मिल सकेगा। इसके अलावा कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे MSP और APMC की जो सुविधाएं हैं वो भी लगातार किसानों को मिलती रहेंगी। हाल ही में जो 2 विधेयक पास हुए हैं उनके बाद और फायदा किसानों को मिलेगा। लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान में धान की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्में जो हैं वो धान के लिए जाती हैं, लेकिन बेहतर उपज के लिए और किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है और किस तरह की देखरेख या उचित प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए दूरदर्शन सहयोगी ने बातचीत की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से। जैसा कि आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका आगे आने वाले दिनों में कृषि के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग भविष्य में हमारी कृषि अनुसंधान में क्या क्या नई चीज़ें होनी चाहिए ताकि आने वाली चुनौतियों का जलवायु परिवर्तन की हम सामना कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के द्वारा सदियों से संरक्षित करीब 10,000 धान की प्रजातियां, जैसा कि आप पीछे खेत में देख रहे हैं, यहां पर लगाई गई हैं और इन प्रजातियों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं उनकी जो विशेष क्षमता है उसके लिए। किसानों ने इनको बचा करके रखा है तो उसका एक मुख्य कारण है कि इनके अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण रहे होंगे। इन किस्मों का मूल्यांकन हम करेंगे सूखा रोधी क्षमता के लिए, बाढ़ रोधी क्षमता के लिए, कीट रोधी रोग रोधी क्षमता के लिए और इसके साथ ही साथ इन किस्मों में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा भी पाई जाती है, विशेष रूप से लोहा तत्व और जस्ता तत्व। तो यह सारा मूल्यांकन करने के बाद हम उन किस्मों को चयन करेंगे जिनके अंदर की ये वांछित गुण पाए जाते हैं और फिर इनका प्रजनन कार्यों में प्रयोग करके आगे आने वाले दिनों के लिए हम नई किस्मों का विकास करेंगे जो किसानों के लिए उपयोगी होंगी। उनके अंदर उपज क्षमता अधिक होगी, उनके अंदर रोग रोधी क्षमता होगी, कीट रोधी क्षमता होगी, सूखा रोधी क्षमता होगी और इसके साथ साथ अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, पानी में धान डूबा रह जाता है कुछ समय के लिए, पहले से ही हम लोगों ने कुछ किस्में इस तरह की विकसित की हुई हैं और आगे आने वाले दिनों में इन सारी चुनौतियों का हम सामना अनुसंधान के द्वारा करेंगे, यही प्रयास इस परियोजना के तहत किया जा रहा है। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 10,000 प्रजातियाँ जिनका मूल्यांकन यहाँ पर किया जा रहा है, ये प्रजातियाँ पूरे देश के सभी भागों से इनको इकट्ठा किया गया है और ये किसानों के द्वारा संरक्षित प्रजातियाँ हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, दक्षिण भारत से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, गोवा से भी हैं, अंडमान निकोबार से हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, देश के हर राज्य से ये किस्में लाई गई हैं और जिस राज्य की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर सूखा रोधी किस्मों को दिया जाएगा, जहाँ पर बाढ़ आती है पानी में धान डूब जाता है वहाँ पर बाढ़ रोधी किस्मों को दिया जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार नई किस्मों का विकास करके इसको हम किसानों को देंगे। आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर 10,000 किस्मों को यहाँ पर खेत में 5 एकड़ में लगाया गया है तो किसी भी व्यक्ति के लिए जा करके सारी 10,000 किस्मों का आंकड़ा लेना थोड़ा बहुत मुश्किल कार्य है और बहुत ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता इसमें होती है। इसके लिए हमारे कृषि भौतिकी विभाग के वैज्ञानिक द्रोण का मदद ले रहे हैं। द्रोण के द्वारा लक्षण प्रारूपण आप थोड़ी देर में देखेंगे, पीछे द्रोण उड़ता हुआ आपको दिखेगा जो कि खेत में चारों तरफ एक निर्धारित रास्ते पर जा करके पूरे खेत की परिक्रमा करेगा और जितनी 10,000 किस्में हैं हर किस्मों का अलग अलग मूल्यांकन, किस्में कब फूल आया, कौन सी किस्म किस दिन पक गई, ये सारे लक्षण का प्रारूपण हम द्रोण के द्वारा करते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक आंकड़ा हम इकट्ठा कर सकें। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है लगातार जो धान की फसल है उन्नत पैदावार हम लेते रहें, इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, इस सेगमेंट में आपकी हम मुलाकात कराते हैं सफल कामयाब किसानों से। आज ऐसे ही सफल और कामयाब किसान हैं जो कि पद्मश्री सम्मान से भी जिन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। इनका नाम है सुदाराम वर्मा। जी हाँ, क्या उपलब्धियाँ इनकी रही हैं, आइए जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। राजस्थान के जिला सीकर के गांव दाता के किसान सुंदराम वर्मा को कम पानी में खेती की तकनीक पर काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वर्ष 1972 में बीएससी करने के बाद विज्ञान अध्यापक के पद पर कई बार उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने खेती को प्राथमिकता दी और बताया कि कम पानी की खपत करके भी खेती की जा सकती है। वो किसानों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। सुंदराम को यूं तो अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, मगर कृषि विधि में सबसे पहला पुरस्कार कनाडा में वर्ष 1997 में एग्रो बायोडायवर्सिटी बायो अवार्ड मिला। दूसरी बार वर्ष 1998 में राष्ट्रीय स्तर का जगजीवन राम किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरी बार उन्हें राज्य सरकार द्वारा वन पंडित पुरस्कार दिया गया। सुंदराम वर्मा को जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य के उपलक्ष्य में पद्मश्री दिया गया है। सरकार के प्रोत्साहन से उनके इस कार्य को अधिक गति मिलेगी तथा खेती की दिशा में और भी बल मिल सकेगा। सुंदराम ने 1 लीटर पानी में पौधरोपण तकनीक विकसित की है। उन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन में 20 लाख लीटर बारिश के पानी और 15 फसलों की 700 से अधिक प्रजातियों का संग्रहण और संरक्षण किया है। वो अभी तक 50,000 पौधे लगा चुके हैं। सुंदराम वर्मा की माने तो कृषि की ओर उनका रुझान 48 साल पहले वर्ष 1972 में उस समय ही हो गया था जब बीएससी की और फिर 3 बार टीचर की सरकारी नौकरी लगी। तब सरकारी शिक्षक बनने की बजाय सुंदराम ने खेती चुनी और शुष्क वानी की विधि पर काम करने लगे। ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की जिससे 1 लीटर पानी में ही पौधे को पेड़ बनाया जा सकता है। सीकर के किसान सुंदराम की 1 लीटर पानी में एक पौधा तकनीक को राजस्थान सरकार के जल संरक्षण विभाग ने भी मान्यता प्रदान की। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी इसकी प्रशंसा की। मैं 1982 में यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में था IARI में, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग की टेक्निक सीखी थी। सितंबर आ गया, जो पौधे लगाने हैं वो छोटे छोटे 1-1 लीटर के खड्डों में आप वो करके उसमें पौधे लगा दिए, और कि सर्दियों गर्मियों में जब आएगी तो ज़्यादा बड़े गड्ढे करके पानी दे देंगे। हुआ ऐसा कि हम पानी न सर्दियों में दे सके न गर्मियों में, लेकिन पौधे जिंदे रहे। तो फिर मुझे वो ड्राई फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आया। 1 लीटर पानी में पौधा तैयार करने की तकनीक में सुंदराम को 10 साल लगे थे। सुंदराम ने राजस्थान की फसल मिर्च, चौला, ग्वार, धनिया, काबुली चना और मेथी समेत 15 फसलों की करीब 700 प्रजातियों का संकलन कर गहन अध्ययन किया और फिर कम पानी कम लागत में अच्छी पैदावार के गुर किसानों को सिखाए। इस तकनीक में जो 2 गहरी जुताई होती है, एक मानसून के पहले मानसून के बाद में, एक आखिरी मानसून के तुरंत बाद में, तो उससे खरपतवार भी नष्ट हो जाती है और ऊपर से जुताई करने से जो कैपिलरीज बनती हैं, सुराखें बनती हैं, वो भी टूट जाती है। सुंदराम के इस कार्य को दिल्ली के पूसा संस्थान ने भी मान्यता दी है। सुंदराम को राजस्थान का देसी कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो बीते 25 साल से कृषि कार्य को सरल बनाने और खेती नवाचार करने में जुटे हैं। इन्होंने आदर्श फसल चक्र का भी निर्माण किया
जिसमें 3 साल में 7 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। किसान को 1 हेक्टेयर में 1,00,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस तकनीक को जब ये सबसे पहले इसको देखा कि ये तकनीक सफल हो सकती है, तो मैंने करीब 8-10 तरह के पौधे उन पर परीक्षण किया अपने खेत में अलग अलग समय पे, और उसमें शीशम भी था, नीम भी था, अर्डू भी था, रोइडा था, और खेजड़ी थी, बेर था, और ये आंवला था, कैरुंदा था, ग्राफ्टेड बेर भी था। तो ये इन सब चीज़ों पे 4-5 तरह से अलग अलग रेप्लिकेशन में इनको मैंने टेस्ट किया अपने पूरे खेत में। तो उसके बाद में 10 साल बाद में ये तय हो गया कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस प्रकार पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुंडाराम ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई और जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य की दिशा में नए आयाम बनाए, उससे आने वाले किसान भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कहा था कि आप बाजरे के चक्कर में मत पड़ना, पूरी जिंदगी में भी यूनिफॉर्म नहीं लेके आओगे बाजरे को, देसी को। हमने 3 साल में लेके आ कृषि की दिशा में ऐसी सोच लाकर भावी किसान पर्यावरण और जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो देखा आपने सुडाराम जी की जो उपलब्धियां हैं, और आज के समय में सुडाराम जी दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है, लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने घर फूंकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता, ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है, और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में आपको जानकारी देते हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और इसके साथ साथ मूल्य आश्वासन और कृषक सेवाओं समझौता विधेयक 2020 की अगर बात की जाए, ये दोनों महत्वपूर्ण विधेयक जो कि हमारे दोनों सदनों में पास हुए, और इसको लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे
जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। अब सवाल ये कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ेगा, आखिर इससे किसान को क्या फायदा होगा, आखिर ये फैसला किस तरह किसानों की आर्थिक स्थिति को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। इन सवालों का जवाब भी अब ग्राउंड रिपोर्ट से ही मिल रहा है। किसान बहनों भाइयों, अगर बात की जाए किसानों के हितों की या किसानों को और फायदा पहुंचाने के लिए, तो आप बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में खासतौर से आर्थिक मामलों की समिति ने रबी सीजन के लिए जो फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इसमें करीब 50 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का इजाफा किया गया है, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब करीब 24 गुना अधिक हो की गई है। 24 गुना अधिक। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है। देश भर के जो किसान हैं काफ़ी उत्साहित हैं। लगातार हमारी जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं उनका लाभ भी इनको मिला है और कुछ किसानों ने अपने अनुभव भी इन योजनाओं को लेकर हमारे साथ साझा किए। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सी किसान की उपयोगी लाभकारी बहुत योजनाएँ चलाई हैं, जिनमें से किसान क्रेडिट कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है और सोलर पम्प योजना है, किसान किसी किसान क्रेडिट कार्ड है, जिनमें से मैंने भी इनका कई में से किसान क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास है उसका भी फ़ायदा लिया है। सोलर पंप भी मैंने लगाया। जब मैं कृषि विभाग के ऑफिस में गया तो पता लगा कि सोलर पंप की योजना आई हुई है, मैंने भी अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मेरा सोलर पंप लग गया है।
जिसमें मुझे बहुत बड़ी अच्छी तरीके से बचत हुई। एक बार लागत लग जाने के बाद फिर निःशुल्क 20-25 साल के लिए आराम से उसकी सिंचाई होती रहेगी और राष्ट्रीय विद्युत ऊर्जा की भी बचत होती है, नकजर्त है। और जिसका 1000 रुपये 1200 रुपये में बिल प्रति माह देता था, अब उससे मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, ये भी फ़ायदा है। और सीमित पानी है, सुबह ही ट्वेल चलती है, शाम को सूरज अस्त के साथ बंद हो जाती है, रात का झंझट बिल्कुल कम, रात के कीड़े जिनावर उनसे सबसे मुक्त हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। प्रधानमंत्री जी ऐसी लाभकारी और हितकारी योजना चलती रहे, मैं उनके हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। आज़ादी के बाद पहली बार एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें 1,00,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया, ये पहली बार हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस मद पे जाएगा, तो बहुत ही बारीकी से सारे इश्यूओं को अनुसंधान करते हुए ये पाया गया कि हमारे देश में किसानों के उत्पादन को मार्केट तक पहुंचाने में, उसको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में, संग्रह करके रखने में, गोडाउन के, कोल्ड स्टोरेज के, परिवहन के, प्रोसेस के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें बड़े गैप्स हैं। एज पर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकसित देश जो भी है वहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 35-40% प्रोसेस हो जाता है, जहीं हमारे देश में जो हमारा इतना बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम करने वाले देशों में से हैं, इस देश में हमारा प्रोसेस 5% से कम है, तो एक बहुत बड़ा गैप है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस 1,00,000 करोड़ रुपये का जो एग्रीकल्चरल फंड का प्रावधान किया गया है, वो फंड सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हार्वेस्टिंग गैप्स जो थे हमारे उसमें लागू करने का प्रावधान किया गया। इसके चलते गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस, मार्केट लिंकेजेस, कोल्ड चेन, इन सारी चीज़ों में जहाँ भी गैप्स हैं उसको पूरा करने के लिए ये फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। वो इंडिविजुअल रूप से किसान भी कर सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर भी कर सकता है। और भारत सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो FPO का कार्यक्रम हमने घोषित किया है, और 10,000 FPO देश में नया किसानों का संगठन जोड़ने का एक कार्यक्रम लिया गया है, वो FPO के माध्यम से भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, भंडारण का, उसके ट्रांसपोर्टेशन का और उसके प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावनाएं खड़ी होंगी। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत बड़ी संभावनाएं खड़ी होंगी और गांव अपने आप में यदि एग्रीकल्चर वहाँ जो प्रोड्यूस होता है उसका प्रोसेस कर लेगा तो वो सही मात्रा में आत्मनिर्भर गांव बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सकेगा। और यदि हमारा गांव आत्मनिर्भर गांव बनने की दिशा में आगे बढ़ता है तो भारत अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाता है। मैं मानता हूँ कि भारत के आत्मनिर्भर होने की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, इसमें सबसे बड़ा रोल इस 1,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का, जो एग्रीकल्चर में हम लागू करने जा रहे हैं, उसके जरिए ग्राम आत्मनिर्भर होने की दिशा में जाएगा और उसके जरिए भारत आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त हो चला इस माह के कृषि कैलेंडर का, तो आइए डालते हैं इस पर भी एक खास नजर। गाजर की देसी किस्मों के लिए सितंबर का सही माह माना जाता है। सितंबर माह में किसान भाई गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर की जड़ों के अच्छे विकास के लिए गहरी, नरम और चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। फसल के अच्छे विकास के लिए बीज की गहराई 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिजाई से पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में भिगो दें। इससे बीज के अंकुरण में वृद्धि होगी।
तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण अगर आप समय का ख्याल रखेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं ट्विटर पर कृषि संबंधित क्या कुछ खास ट्वीट साझा किए गए। आपको बता दें कृषि से जुड़ी जानकारी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इसके लिए अलग जो ऐप हैं वो भी पहले ही लॉन्च कर दिए गए थे। मेघदूत, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए एक सरल और आसान माध्यम से किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। IITM पुणे और IMD दिल्ली के सहयोग से हैदराबाद में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में डिजिटल कृषि अनुसंधान विषय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया था। ये ऐप मूल रूप से हर मंगलवार और शुक्रवार को कृषि मेटफील्ड्स यूनिट द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक जिला और फसलवार सलाह को किसानों की पूर्वानुमान और ऐतिहासिक मौसम की जानकारी के साथ एकत्र करता है। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी आज हमने आपको दी है इससे आप लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ आप अगर कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव 110049। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी मेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का भी। कृषि संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।